नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल श्याम क्लास स्टडी में। साथियों, आज की इस वीडियो में यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा में पूछे जाने वाले हिंदी के 38 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिसेट लेकर के आया हूँ। ये सारे वो प्रश्न हैं जो पिछली परीक्षाओं में पूछे गए और आने वाले समय में आपकी यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा 18 फरवरी 2024 के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। तो क्योंकि जो प्रीवियस ईयर के प्रश्न होते हैं वो हर एक परीक्षा के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण होते हैं। तो आप सभी लोग हमारे YouTube चैनल पर मैंने आप लोगों को जितने भी हिंदी के प्रश्नों के प्रैक्टिस सेट कराए, अगर आप सभी लोग सारे प्रैक्टिस सेटों को एक एक करके लगा लें तो निश्चित मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि आपका यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा में हिंदी से एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा। अगर आपको ये प्रैक्टिस सेट पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लेना, और हर एक प्रश्न का आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताते चलना कि आपने कितने प्रश्नों को सही किए और कौन कौन से प्रश्न का आंसर आप लोगों को पहले से मालूम था। और इस प्रैक्टिस सेट को आप अपने सभी दोस्तों के पास जरूर शेयर कर देना, जिससे वो भी लोग इस प्रैक्टिस सेट को लगाएँ और उन लोगों को भी अपनी तैयारी का पता लग पाए। तो चलिए फिर शुरू करते आज का अपना हिंदी के 38 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का ये प्रैक्टिस सेट। तो 114वां क्वेश्चन है आपके सामने कि कुछ बच्चे इधर आओ वाक्य में विशेषण पहचानिए। तो इस वाक्य में कौन सा विशेषण है ये आपको बताना है। प्रश्न संख्या 114 का आंसर क्या हो जाएगा? तो इसमें जो विशेषण होगा वो होगा संख्यावाचक विशेषण होगा। तो 114 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा, और एक संख्यावाचक का ये होगा अनिश्चय संख्यावाचक। ठीक है, तो 114 का आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा प्रश्न संख्या 115 है आपके सामने कि पानी शब्द का वचन क्या है? तो पानी मतलब एक वचन है कि बहुवचन है ये आपको बताना है। तो बताइएगा फटाफट से 115 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो पानी शब्द पानी है एक, ये सदा एक वचन है क्या? पानी शब्द सदा एक वचन है। तो 115 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या बी, क्या? ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा प्रश्न संख्या 116 है आपके सामने कि पापी का स्त्रीलिंग क्या है? तो कौन सा हो जाएगा पापी का स्त्रीलिंग? और जितने भी लोग ऑप्शन संख्या बी, क्या, पापिन बता रहे हैं, पापिन, तो उन सभी लोगों का राइट आंसर हो जाएगा, यानी 116 का ऑप्शन संख्या बी हो जाएगा। चलिएगा प्रश्न संख्या 117 है आपके सामने कि गरीबों के निमित्त धन इकट्ठा करो, गरीबों के निमित्त धन इकट्ठा करो में कौन सा कारक है? तो बताइएगा इसमें कौन सा कारक है प्रश्न संख्या 117 में? तो इसमें है कि, यानी संप्रदान कारक। कैसे? संप्रदान कारक है ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा प्रश्न संख्या 118 है आपके सामने कि किस वाक्य में सकर्मक क्रिया नहीं है? तो इनमें से कौन से वाक्य में सकर्मक क्रिया नहीं है ये आपको बताना है। तो बताइएगा प्रश्न संख्या 118 का आंसर क्या हो जाएगा? तो मोहन हंसता है, क्या, मोहन हंसता है, इसमें सकर्मक क्रिया नहीं है, यानी 118 का आंसर ऑप्शन संख्या ई इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा प्रश्न संख्या 119 है आपके सामने कि अर्थ के अनुसार डॉट डॉट के कुल डॉट डॉट भेद हैं, सही विकल्प का चयन कर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिएगा। तो बताइएगा यहाँ पर कौन सा रिक्त स्थान सही बैठेगा? ऑप्शन संख्या ए। तो अर्थ के अनुसार संबंध बोधक अव्यय के कुल 8 भेद हैं, यानी 19 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या ए। चलिएगा प्रश्न संख्या 20 है आपके सामने 120 की क्षत्रज्ञ है, ये कौन से व्यंजन है या क्या है ये आपको बताना है। तो क्षत्रज्ञ ये है संयुक्त व्यंजन, क्या है ये, संयुक्त व्यंजन है। तो 120 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा प्रश्न संख्या 121 है आपके सामने कि कजरारे बादलों वाला दिन था, इस वाक्य में विशेष है कजरारे बादलों वाला दिन था, इसमें क्या विशेष है? तो इसमें जो विशेष है वो है बादलों, क्या है, बादलों हैं। तो 121 का जो आंसर होगा
ऑप्शन संख्या बी इस प्रिंस का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा प्रिंस संख्या 122 है आपके सामने कि घोटक का तद्भव रूप क्या है, तो कौन सा हो जाएगा घोटक का तद्भव रूप, तो घोड़ा, क्या घोड़ा हो जाएगा घोटक का तद्भव रूप। तो 122 का जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी, क्या हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी इस प्रिंस का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा प्रश्न संख्या 123 है आपके सामने के निम्नलिखित में से कौन सा शब्द चतुर का समानार्थी शब्द नहीं है, तो इनमें से कौन सा है जो चतुर का समानार्थी नहीं है, बताइएगा प्रश्न संख्या 123 का आंसर क्या हो जाएगा, तो कौन सा हो जाएगा, तो खुदगर्ज, क्या खुदगर्ज ये चतुर का समानार्थी नहीं है, तो 123 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या ए, क्या ऑप्शन संख्या ए इस प्रिंस का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा प्रश्न संख्या 124 है आपके सामने कि दिए गए विकल्पों में से कृपण का वृद्धार्थी शब्द चुनिए, तो बताइएगा इनमें से 124 में कृपण का वृद्धार्थी शब्द क्या हो जाएगा, तो कृपण, इसका जो वृद्धार्थी शब्द होता है वो उदार होता है, क्या उदार होता है, तो 124 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी इस प्रिंस का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा प्रश्न संख्या 125 है आपके सामने कि डॉट डॉट चंगा तो कठौती में गंगा, लोकोक्ति को पूरा करने के लिए सही विकल्पों का चयन कीजिए, चलिएगा यहाँ पर कौन सा विकल्प सही बताएगा इसके अर्थ को ये आपको बताना है, बताइएगा प्रश्न संख्या 125 का आंसर क्या हो जाएगा। तो अब जानते कि मन चंगा तो कठौती में गंगा, ये इसका सही अर्थ बताता है, यानी 125 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या बी, क्या 125 का आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रिंस का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा प्रश्न संख्या 126 है आपके सामने कि अधजल गगरी छलकत जाए, इस मुहावरे के लिए वाक्य बताइएगा, तो क्या हो जाएगा इस मुहावरे के लिए वाक्य, तो कम गुण वाला व्यक्ति दिखावा बहुत करता है, क्या कम गुण वाला व्यक्ति दिखावा बहुत करता है, यानी 126 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या सी इस प्रिंस का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा प्रश्न संख्या 127 है आपके सामने कि रस उत्पत्ति में आश्रय की चेष्टा क्या कही जाती है, तो क्या कही जाती है, बताइएगा प्रश्न संख्या 127 का आंसर क्या हो जाएगा, तो रस उत्पत्ति में आश्रय की चेष्टा अनुभव कही जाती, क्या अनुभव कही जाती है, तो 127 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी, क्या ऑप्शन संख्या सी इस प्रिंस का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा प्रश्न संख्या 128 है आपके सामने कि अब अली रही गुलाब में अपत कटीली डार में कौन सा अलंकार है, तो बताइएगा प्रश्न संख्या 128 में कौन सा आंसर हो जाएगा। तो जितने भी लोग ऑप्शन संख्या ए यानी उपमा अलंकार बता रहे हैं उन सभी लोगों का राइट आंसर हो जाएगा, 128 का आंसर ऑप्शन संख्या ए हो जाएगा। चलिएगा प्रश्न संख्या 129 है आपके सामने कि छंद का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है, तो कहाँ पर मिलता है छंद का सर्वप्रथम उल्लेख ये आपको बताना है, तो ऋग्वेद में, कहाँ पर ऋग्वेद में छंद का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है, 129 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या ए, क्या ऑप्शन संख्या ए इस प्रिंस का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा प्रश्न संख्या 130 है आपके सामने कि एक देशीय का विलोम शब्द है, तो कौन सा हो जाएगा एक देशीय का विलोम शब्द, तो एक देशीय का जो विलोम शब्द होता है वो सर्वदेशीय होता है, क्या सर्वदेशीय होता है, तो 130 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या डी, क्या ऑप्शन संख्या डी इस प्रिंस का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा प्रश्न संख्या 131 है आपके सामने कि आवश्यकता से अधिक वृष्टि होने पर उसके लिए कौन सा उपयुक्त शब्द प्रयोग किया जाएगा, तो कौन सा उपयुक्त शब्द प्रयोग किया जाएगा ये आपको बताना है, प्रश्न संख्या 131 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर किया जाएगा अतिवृष्टि, क्या अतिवृष्टि, यानी 131 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी, क्या ऑप्शन संख्या सी इस प्रिंस का राइट आंसर हो जाएगा।
चलिएगा प्रश्न संख्या 132 है आपके सामने कि सर जो कि सरोवर का पर्यायवाची है, यदि सर के प्रथम वर्ण सा के स्थान पर इस सा का प्रयोग किया जाए तो उसका क्या अर्थ होगा, तो क्या अर्थ हो जाएगा ये आपको बताना है, यानी इस ये शब्द बन जाएगा सर, इसका अर्थ क्या हो जाएगा बताइएगा प्रश्न संख्या 132। तो इसका जो अर्थ होता है वो होता है बाण, क्या होता है बाण होता है। तो 132 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा प्रश्न संख्या आपके सामने में 133 कि शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए, तो कीजिएगा शुद्ध वर्तनी का चयन कि इस शुद्ध वर्तनी कौन सी हो जाएगी, प्रश्न संख्या 133 का आपको आंसर बताना है। तो वार्षिकोत्सव, क्या वार्षिकोत्सव ये कौन सी में सही लिखा है, तो ये सही लिखा है ऑप्शन संख्या बी वाले में, किसमें ऑप्शन संख्या बी में सही लिखा है। तो 133 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा प्रश्न संख्या 134 है आपके सामने कि ग्रीस में कौन सी संधि है, तो बताइएगा प्रश्न संख्या 134 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ग्रीस में कौन सी संधि है, तो ग्रीस में है दीर्घ संधि, कौन सी है दीर्घ संधि है। तो 134 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या बी, क्या ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा प्रश्न संख्या 135 है आपके सामने कि चरण कमल बंधो बंधो रघु राई, तो इसमें कौन सा अलंकार है ये आपको बताना है, प्रश्न संख्या 135 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसमें जो अलंकार है वो है रूपक अलंकार, क्या है रूपक अलंकार है। तो 135 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा प्रश्न संख्या 136 है आपके सामने कि रिक्त स्थान भरिए, तो आपको प्रश्न संख्या 136 में रिक्त स्थान भरना है कि 136 का आंसर क्या हो जाएगा। तो चुनाव के समय राजनीतिक दलों द्वारा डॉट डॉट राजनीतिक दलों द्वारा प्रस्तुत डॉट डॉट में किसी एक को चुनना होता है, तो क्या चुनना होता है ये आपको बताना है। तो चुनाव के समय राजनीतिक दलों द्वारा प्रस्तुत प्रत्याशियों में से किसी एक को चुनना होता है, यानी 136 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या बी, क्या है ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा प्रश्न संख्या 137 है आपके सामने कि दिए गए वाक्य में एक शब्द रेखांकित है, उस शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग किस कोटि का है चिन्हित कीजिए, यानी 137 में आपको बताना है कि जो रेखांकित शब्द इसका अर्थ या इसमें क्या है, ये कौन सा उपसर्ग है। तो विद्यालय का उप प्रधानाचार्य जिम्मेदार व्यक्ति होता है, तो ये कौन सा उपसर्ग है ये आपको बता रहा है, प्रश्न संख्या 137 का आंसर क्या हो जाएगा। तो ये है एक तत्सम उपसर्ग, क्या ये एक तत्सम उपसर्ग है। तो 137 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा प्रश्न संख्या 138 है आपके सामने कि निम्नलिखित वाक्यों में से अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए, तो आपको प्रश्न संख्या 138 में बताना है कि इनमें से कौन सा वाक्य है जो गलत है, तो वह दंड देने योग्य है, क्या वह दंड देने योग्य ये अशुद्ध वाक्य है। तो 138 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या बी, क्या ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 139 है आपके सामने कि गोवर गणेश यह किस समास का उदाहरण है, तो ये कौन से समास का उदाहरण है, प्रश्न संख्या 139 आपको बताना है। तो गोवर गणेश तत्पुरुष का है, लेकिन तत्पुरुष का कौन सा उदाहरण है, तो ये है करण तत्पुरुष, कौन सा है ये करण तत्पुरुष है। तो 139 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा प्रश्न संख्या 140 है आपके सामने कि किस शब्द में अति उपसर्ग लगा है, तो कौन से शब्द में अति उपसर्ग लगा है, तो अति उपसर्ग ये लगा है अत्यंत में, किसमें अत्यंत में, यानी 140 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा प्रश्न संख्या 141 है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सी बोली अथवा
भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है, तो कौन सी नहीं आती बताइएगा हिंदी के अंतर्गत? पूर्ण संख्या 141 का आंसर क्या हो जाएगा? तो ये तेलुगु नहीं आती है क्या? तेलुगु नहीं आती है तो 141 का जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न है आपके सामने कि 147 है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना निराला जी की नहीं है? तो इनमें से कौन सी रचना नहीं है निराला जी की? तो आप जानते हैं कि निराला जी का पूरा नाम है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, तो वीरांगना, वीरांगना सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना नहीं है। तो 147 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा प्रश्न संख्या 148 है आपके सामने कि सेवा बावनी की रचना किसने की है? तो किसने की है सेवा बावनी की रचना, ये आपको बताना है। तो सेवा बावनी की जो रचना की है वो भूषण ने की है, किसने? कवि भूषण ने की है। तो 148 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या बी, क्या है? ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा प्रश्न संख्या 149 है आपके सामने कि जयद्रथ वध के लेखक या लेखिका की कृति है, मतलब जयद्रथ वध को किसने लिखा है ये आपको बताना है। प्रश्न संख्या 149, तो जयद्रथ वध इसे जो लिखा है वो लिखा है मैथिली शरण गुप्त ने, किसने? मैथिली शरण गुप्त ने। तो 149 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या डी, क्या है? 149 का ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा लास्ट प्रश्न है आज के इस टेस्ट सेट का 150 में कि तीन रुबैया के रचनाकार कौन हैं? तो इसके रचनाकार कौन है तीन रुबैया के? तो इसके जो रचनाकार हैं वो हैं हरिवंश राय बच्चन, कौन है? हरिवंश राय बच्चन। तो 150 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। तो साथियों अगर आपको यह प्रैक्टिस सेट पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट तथा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। बस आप लोग सपोर्ट करते रहिएगा, मैं आप लोगों के लिए दिन रात एक करके मेहनत करने वाला हूँ।